मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह उल्ला कर नहीं देना, एक भी मुल्ला कर नहीं देना, गोली मारो सारों को। इन मुसलमान जो गंदे लोग हैं उनकी दुकानों से कोई हिंदू लोग से प्रार्थना है कि कोई सामान ना ले। हिंदू भाइयों से एक अपील है, ये जितने भी लोगों को किराए पे मकान दे रखे हैं, ये जितने लोगों से ये फेरी वालों से सामान ले रहे हैं, ये सभी बंद करे। राम राम चिल्लाएंगे। तो कुछ मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो रक्त बीज तैयार करने का काम किया जाता है वो मदरसों में किया जाता है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। उदयपुर में जब से कन्हैया लाल की हत्या हुई है उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें राजस्थान में शुरू की जा रही हैं। एक तरफ जहां एटीएस और एनआईए इस केस की जांच कर रही है, साथ ही राजस्थान पुलिस भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रही है। कर्फ्यू के हालात हैं, कुछ ढील दी गई हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें नफरत फैलाना है, जिन्हें इस घटना का ब्लेम पूरे समाज पर डालना है, वो लोग बाज नहीं आ रहे। तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि प्रदर्शन होने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस और कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। वो कोर्ट में पेशी भी हुई थी, उस दौरान उनके साथ वकीलों ने भी मारपीट की। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये सब आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आज एक धरना प्रदर्शन जयपुर में बुलाया गया, जिसे कहा जा रहा है कि सर्व समाज हिंदुओं का ये प्रदर्शन है जो कि इस घटना के विरोध में किया जा रहा है। इसको नाम दिया गया सर्व समाज हिंदू। लेकिन इसमें एक खास समुदाय के खिलाफ तमाम तरह का जहर उगला गया, तमाम तरह की चीजें हो गई। इससे पहले आपने वीडियो देखी, गुरुग्राम में भी वही सारी चीजें दोहराई गई जो नूपुर शर्मा ने कहा था। तमाम तरह के भाषण का इस्तेमाल किया गया, नफरत वाले भाषण का इस्तेमाल किया गया था। गुरुग्राम में भी कल और परसों जो प्रदर्शन हुए थे उसमें फिर से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी की गई। लेकिन ये वीडियो जो आपने शुरू में देखे, ये बताते हैं कि राजस्थान में हालात ठीक नहीं है, या कुछ लोग हालात ठीक होने देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो हमारे सामने लगातार आ रही हैं और शायद इनका कहीं ना कहीं फायदा, जैसे कि कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को शायद मिल जाएगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि अगले साल दिसंबर 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो इस मुद्दे को छोड़े, क्योंकि गहलोत सरकार के खिलाफ इस घटना का वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो हत्या आरोपी हैं उनकी तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वायरल हुई हैं। कहा जा रहा है कि वो बूथ लीडर भी रहे हैं और बहुत सारे तमाम लीडरों के साथ उनकी फोटो भी सामने आ रही हैं। और राजस्थान में जिस तरह के प्रदर्शन पे प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है, हाथों में मदरसे बंद करो की तख्ती लेकर घूम रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने की बात की जा रही है। कौन है इनके पीछे, इन सारे एजेंडे के पीछे? क्या इन लोगों को यकीन नहीं है कि एटीएस जांच कर रही है, एनआईए आ चुकी है, खुद गृह मंत्रालय इस चीज को देख रहा है कि क्या कुछ होने वाला है और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले? लेकिन उसके बाद भी ये नफरती चिंटू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह माहौल बिगड़े। मेरी आपसे भी यही अपील यही है कि कुछ लोगों ने इसके बारे में जितने भी गलत कमेंट किए हैं सोशल मीडिया पर, उससे परहेज करें और कोई भी ऐसी चीज ना लिखे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आज ये धरना प्रदर्शन जो जयपुर में हुआ उसकी वीडियो तमाम हमारे सामने आ रही हैं, जो ये सीधे सीधे तौर पर ये दिखा रही हैं कि हालात तो ये लोग ठीक होने देना नहीं चाहते राजस्थान के अंदर। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इस तरह के भाषण से, इस तरह के नारेबाजी से किसी तरह का कोई डर कोई तनाव पैदा ना हो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।